New mask. Same task. What can I tell you? I like playing complicated characters. Wow. दिन था 29 जुलाई का जब सभी लोग जो है सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2024 देख रहे थे, क्योंकि मार्वल जो है अपना फ्यूचर एक्सप्लेन करने वाला था, मतलब जो भी मार्वल में अपकमिंग मूवीज आएंगी उनके बारे में बता रहा था। बट कुछ देर बाद ऐसी घटना घटती है जिसे देख के लोग लिटरली बाई पागल हो जाते हैं। तो एक बंदा आगे आकर के मास्क हटाता है तो लिटरली सब लोग देख पाते हैं पुराना आयरन मैन यानी कि आरडीजे को। देख के सारी पब्लिक पागल हो गई थी और हम लोग को यह भी पता चला कि इस बार जो है आरडीजे जो है आयरन मैन का रोल ना निभा करके डॉक्टर डूम का रोल निभाने वाले हैं। ये खबर सुन करके लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई खुशी मनाई जाए या फिर दुख मनाया जाए, क्योंकि भाई आयरन मैन जो है वापस नहीं आएगा या फिर डॉक्टर डूम के रूप में हम लोगों को आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने के लिए मिलेंगे कि इस बात की खुशी मनाई जाए। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आरडीजे को आयरन मैन के रोल के लिए वापस नहीं आ रहे हैं तो भाई आरडीजे जो है डॉक्टर डूम का रोल क्यों निभा रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है, डॉक्टर डूम का रोल कोई और भी निभा सकता है, कोई और कास्ट भी इस रोल को कर सकता है, बट भाई आरडीजे ही क्यों, असल मुद्दा यही है। तो इसी के बारे में बात होने वाली है वीडियो में। भाई लोग सबसे पहले ये बताने की जरूरत नहीं है कि आयरन मैन करेक्टर कितना ज्यादा पॉपुलर है। आरडीजे आयरन मैन के साथ लोगों के दिलों में बसा हुआ है जो कि हम लोग देख चुके हैं। और साथ ही में मैं अगर बात करूं कि आरडीजे को एज अ आयरन मैन ना लेकर के डॉक्टर डूम लिया जा रहा है तो भाई इसके पीछे मेन वजह ये होगी कि हम लोगों ने एंड गेम में देखा था कि भाई बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आयरन मैन को विदाई दी गई थी। इस सब के बाद अगर आयरन मैन को वापस लाया जाता है तो बहुत सारी चीजें जो है गड़बड़ हो सकती है। ये नहीं बोल रहा कि भाई लोगों को पसंद नहीं आएगा या फिर मार्वल को मुनाफा नहीं होगा जिस बंदे की इतनी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ विदाई की गई हो, भाई उस करेक्टर को वापस लाना मुझे नहीं लगता एक समझदारी वाली बात होगी। इसीलिए जो है आयरन मैन को मार्वल जो है वापस नहीं लाना चाहता है। और अगर मैं बात करूँ डॉक्टर डूम की, क्योंकि भाई आरडीजे ही क्यों, तो भाई इसके पीछे मेन वजह ये हो सकती है कि हम लोगों को पता है कि मार्वल की अपकमिंग मूवीज आ रही हैं जैसे कि एवेंजर डूम डे, एवेंजर सीक्रेट वॉर। भाई ये बहुत बिग बजट वाली मूवीज हैं, मतलब बहुत सारे करेक्टर, बहुत सारे सुपर हीरो हम लोगों को इन दोनों ही मूवीज में देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मार्वल ने पिछले कुछ सालों में कुछ खास उखाड़ा नहीं है, जिसकी वजह से मार्वल की हालत जो है काफी रद्दी हो चुकी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि डेडपूल एंड वुल्वरीन ने काफी अच्छा काम अभी किया है। भाई लोग एक ही मूवी से मार्वल पहले जहाँ पे जिस पोजीशन पे था पोजीशन के ऊपर एकदम से नहीं आ सकता है। इसलिए मार्वल को भाई और हिट मूवीज चाहिए जो कि भाई लिटरली धमाल मचा के रख दे बॉक्स ऑफिस के ऊपर में। और सब चीज के लिए मार्वल को चाहिए होगा मार्वल का सबसे टॉप करेक्टर, मतलब सबसे पॉपुलर करेक्टर जो कि हम लोग को पता है आयरन मैन है। और जब लोगों को पता चलेगा कि भाई आयरन मैन यानी कि आरडीजे जो है हम लोगों को अपकमिंग अवेंजर मूवीज में देखने के लिए मिलेंगे तो भाई लोगों के बीच कितनी बड़ी हाइप क्रिएट हो जाएगी। मतलब हर कोई बंदा जो है मार्वल का फैन जो है यहाँ पे आने वाली मार्वल के अपकमिंग मूवीज को देखने के लिए क्यूरियस होगा। भाई लोग मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह यही है मार्वल वालों की आरडीजे को डॉक्टर डूम के जरिए वापस लाने की, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आने वाली अपकमिंग मूवीज को देखे और भाई मार्वल का प्रॉफिट और ज्यादा बढ़े। क्योंकि ओवरऑल जो है मार्वल भाई एक कंपनी है, उसे पैसा बनाना है और पैसा वो तभी बनाएगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर मूवीज जो है बहुत ताबड़तोड़ कमाई करेंगी। पहले आरडीजे एक सुपर हीरो का रोल निभाते थे और अब जो है आरडीजे सुपर विलेन का रोल निभाने वाले हैं। अब भाई देखना ये होगा कि भाई सुपर हीरो की तरह ये सुपर विलेन भी भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस हो पाता है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को पहली बार मूवी के जरिए डॉक्टर डूम देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप लोगों ने फैंटास्टिक फोर सीरीज देख रखी होगी तो वहाँ भी देखने के लिए मिले थे आरडीजे जो है डॉक्टर डूम को निभाएंगे, तो भाई सभी की नज़रें जो है डॉक्टर डूम यानी कि आरडीजे के ऊपर रहेंगी। अब देखना ये है कि अपकमिंग मूवीज में यहाँ पे आरडीजे यानी कि डॉक्टर डूम कौन सा कमाल करते हैं। बाय द वे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आयरन मैन यानी कि आरडीजे को डॉक्टर डूम के लिए क्यों चुना गया है, कमेंट करके जरूर बताना।